नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं फ्री वॉइस के साथ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। भारत में पिछले 24 घंटों में 2338 कोविड मामले सामने आए, 19 लोगों ने अपनी जान गंवाई, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। कश्मीर में फिर आतंकियों की कायराना हरकत, हिंदू महिला शिक्षक को गोली मारकर की हत्या। किश्तवाड़ में सड़क हादसे में 2 की मौत, 6 घायल। कश्मीरी पंडितों ने बड़े पैमाने पर पलायन की दी चेतावनी, जगह जगह प्रदर्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता श्रीनगर स्थित ईडी के कार्यालय पहुंचे। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले से जुड़े मामले को लेकर किया गया था सम्मान जारी। किसान की बेटी समेत जम्मू संभाग के साथ होनहारों ने यूपीएससी परीक्षा में लहराया परचम। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी प्रतिभागियों को दी शुभकामनाएं। नेशनल पैंथर्स पार्टी सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह का निधन मंगलवार सुबह जम्मू के बख्शीनगर अस्पताल में हुआ। पीएम मोदी समेत कई राजनेताओं ने जताया दुख। आखिर पर मौसम की जानकारी। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश के साथ बादल छाए देखने को मिले। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है। बात करें तापमान की तो श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 13.7 और जम्मू का 23.5 दर्ज किया गया। ये थी अब तक की कुछ अहम खबरें। और भी खबरों के लिए बने रहे फ्री वॉइस के साथ।